वेज पुलाव तो आपने बनाए ही होगी, लेकिन क्या आपने इस प्रोटीन से भरपूर चिकपी पुलाव कभी बनाए हैं? अगर नहीं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो एक कप मैंने यहाँ पर राइस ले लिया है, उसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो राइस में जो सफ़ेद पानी निकलता है वो निकलना बंद हो जाए तब तक हमें उसे वॉश कर लेना है। अब यहाँ पे मैं वापस से पानी डाल के इसे 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देती हूँ। अब एक कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल ले लेंगे, ऑयल हमें यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। उसके बाद एक चम्मच हम जीरा और 1/4 टीस्पून हम हींग ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिली और जिंजर। तो मैंने करीबन 1 इंच यहाँ पे जिंजर लिया है। खड़े मसाले सारे ऐड कर देंगे, बे लीव्स, क्लोव्स और रेड चिली। सारे मसाले को अच्छी तरह से हमें ऑयल में ही भून लेना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो ऑयल में अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अनियन। तो अनियन को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट किया है, स्लाइस में कट करने से जल्दी से कुक हो जाता है इसीलिए। तो बस करीबन हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलूसन हो जाए तब तक ही हमें कुक करना है। ऑनियन हमारे करीबन आधा कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर को। तो टमाटर को भी हमें इसी तरह स्लाइस में ही कट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी टमाटर को स्लाइस में कट किया है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब सबसे पहले हम ऐड कर देंगे सारे मसाले को। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं, क्योंकि हमने यहाँ बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए चिकपी। तो आपको बॉयल किए हुए ही चिकपी ऐड करना है, उसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हमारे राइस जो हमने 15 मिनट के लिए सोक करके रखा था। इसे भी हम सारे मसाले के साथ 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और उसी के बाद हमें पानी ऐड करना है। इस तरह कुक करने से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। 2 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है, 1 कप चावल के सामने 2 कप पानी लेना है। तो आपको एक मेजरमेंट एकदम ध्यान में रखना है। 10 मिनट ढक के हम कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद हमारे पुलाव बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर हम ऐड कर देंगे। तो हो गए हमारे चिकपी और प्रोटीन से भरपूर पुलाव तैयार। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।